हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाते कैसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्फ्लुएंस लाइंस होती क्या हैं? इन्फ्लुएंस लाइन एक ग्राफ या फिर एक कर्व है ऑफ अ रिस्पांस फंक्शन। जब यूनिट लोड पास करते हैं एक बीम से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो वही मैंने इधर लिखा है। It is a graph or a curve of a response function when a unit load crosses the span of beam from left to right. अब response function होते क्या हैं? Response function हो सकते हैं या तो reaction at supports, जिसको हम लोग R से denote करेंगे, या फिर shear force at section, okay, या फिर bending moment at section, okay. तो first of all हम लोग देखेंगे ILD का मतलब है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर रिएक्शन एट सपोर्ट्स। ये कोई भी अपना एक यूनिट लोड है, ओके, तो ये अपने दो सपोर्ट्स हैं ए और बी, तो वही मैंने इधर लिखा है। कंसिडर अ बीम ए बी ऑफ स्पैन एल, स्पैन इसकी कितनी है एल की। लेट अ यूनिट लोड बी एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए, तो एक यूनिट लोड है जो कि एक्स डिस्टेंस पे है ए पॉइंट से, ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले इधर आर ए, ये आर बी, आर ए आर बी कैलकुलेट करेंगे, ओके, तो वही मैंने लिखा इधर, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो आर ए प्लस आर बी, ये तो अपवर्ड फोर्स है, तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू वन, ओके। उसके बाद क्या किया है, उसके बाद हम लोगों ने ए के अबाउट मोमेंट लिया है, यानी ए पर आप खड़े हो जाइए, उसके बाद हम लोग मोमेंट लेंगे ए के अबाउट। तो मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी आर बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर बी इंटू एल, आर बी इंटू एल माइनस वन इंटू एक्स, माइनस इसलिए क्योंकि नीचे लग रहा है, तो माइनस वन इंटू एक्स, तो माइनस वन इंटू एक्स। ए पॉइंट पर अपन खड़े हैं इसलिए आर ए इंटू ज़ीरो, आर ए इंटू ज़ीरो, इधर से आर बी की वैल्यू आई, ओके, आर बी की वैल्यू कितनी आई, एक्स बाय एल, ये आर बी की वैल्यू हम लोगों ने इधर पुट की। उसके बाद आर ए की वैल्यू कितनी आई, पुट करने के बाद, पुट करने के बाद आर ए की वैल्यू आई वन माइनस एक्स बाय एल, ओके। तो ये जो अपने रिएक्शंस आई हैं, ये आर बी और ये आर ए, ये लीनियर रिएक्शन है, ओके, एंड इट्स ट्रू फॉर एक्स इक्वल टू ज़ीरो टू एक्स इक्वल टू एल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आर ए के लिए देखेंगे, आर ए की वैल्यू कितनी है, वन माइनस एक्स बाय एल, तो एक्स इक्वल टू ज़ीरो पुट किया इसमें, तो आर ए कितना आ गया, वन। व्हेन एक्स इक्वल टू एल, एक्स इक्वल टू एल पुट किया इसमें, तो आर ए कितना आ गया, ज़ीरो। तो इन पॉइंट्स की हेल्प से हमने ये डायग्राम बनाया, ओके, तो ये ILD डायग्राम है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, ओके। उसके बाद RB, RB कितना था अपना, RB था X बाय L, ओके, RB इक्वल टू X बाय L, ये हमने X इक्वल टू ज़ीरो, और X इक्वल टू ज़ीरो पे RB कितना है, ज़ीरो, X इक्वल टू L पे RB कितना है, वन। तो इन पॉइंट की हेल्प, हम इन पॉइंट्स की हेल्प से हमने ये डायग्राम प्लॉट किया, ओके। तो ये हमारे ILD डायग्राम है, ओके, ILD फॉर रिएक्शन एट सपोर्ट्स, ओके। उसके बाद हम लोग देखेंगे ILD फॉर शियर फोर्स एट अ सेक्शन सी, सी पॉइंट पे, सी सेक्शन पे हमें ILD देखना है फॉर शियर फोर्स, ओके। तो कंसिडर अ सेक्शन एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम a, हम लोगों ने कोई सेक्शन लिया x दूरी पे a से, तो जहाँ पर पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, ओके, स्पैन की लेंथ l है, और जो जो c पॉइंट है वो a दूरी पर है a से, और b दूरी पर है b से, ओके, तो rb जैसा कि हमने अभी कैलकुलेट किया था, ये rb हुआ और ये ra, ये दोनों हमने अभी कैलकुलेट किए थे। तो शेयर फोर्स एट सी, सी पॉइंट पर शेयर फोर्स कितना होगा, एफ सी इक्वल टू माइनस आर बी, ओके। ये हम लोग कब कैलकुलेट करेंगे, जब ये जो पॉइंट लोड है ना,
जो कि यूनिट लोड है वो x दूरी पर है A पॉइंट से, ये जब हम लोग शियर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एफ सी इक्वल टू माइनस आर बी, तो आर बी की वैल्यू कितनी है x बाय एल, ये वैल्यू इधर पुट करी तो एफ सी कितना हो गया माइनस x बाय एल, ये जो कि लीनियर है, ओके। एंड इज ट्रू फॉर x इक्वल टू जीरो टू x इक्वल टू A। तो व्हेन x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो इसमें पुट किया तो एफ सी कितना आया जीरो, और जब x इक्वल टू A पुट किया इसमें तो ये कितना आया माइनस A बाय एल। तो इन पॉइंट की हेल्प पे हमने ये डायग्राम प्लॉट किया, ओके। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जो यूनिट लोड है इसको हम लोग x की दूरी पर रखेंगे B पॉइंट से, ओके। कंसिडर अ सेक्शन x इन बी सी स्पेन, शेयर फोर्स एट C। उसके बाद हम लोग शेयर फोर्स एट C निकालेंगे, एफ सी इक्वल टू आर ए, तो आर ए कितना आया अपना, आर ए कितना है 1 माइनस x बाय एल, तो आर ए की वैल्यू पुट करी 1 माइनस x बाय एल। तो ये ट्रू कहाँ से कहाँ तक होगा, वो फंक्शन लीनियर था, और ट्रू कहाँ से कहाँ तक है, वो होगा ट्रू x इक्वल टू A से लेके x इक्वल टू 0 तक, ओके। सॉरी इधर x इक्वल टू 0 नहीं, इधर x इक्वल टू L आएगा, ये ट्रू कहाँ से कहाँ तक है, x इक्वल टू A टू x इक्वल टू L। जब हमने इधर x इक्वल टू A पुट किया तो कितना हो गया 1 माइनस A बाय एल, तो वही मैंने लिखा है 1 माइनस A बाय एल। उसके बाद मैंने LCM लिया तो L इधर ऊपर गया, L माइनस A बाय एल, और L माइनस A क्या है अपना, टोटल डिस्टेंस कितनी थी L, तो L माइनस A ये डिस्टेंस, तो कितना बचा ये B, L माइनस A इक्वल टू B। तो वही मैंने इधर लिखा है L माइनस A, इसकी जगह मैंने B लिखा है क्योंकि L माइनस A इक्वल टू B है। जब x इक्वल टू A पुट किया तो FC की वैल्यू कितनी आई B बाय L, उसके बाद जब x इक्वल टू L पुट किया तो FC की वैल्यू कितनी आई 0। इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से मैंने ये डायग्राम प्लॉट किया, ओके। तो फर्स्ट हाफ अपना कितना कैसा बना है, फर्स्ट हाफ अपना ये है और सेकंड हाफ ये है, इन दोनों को कम्बाइंड बनाया डायग्राम, तो कम्बाइंड डायग्राम क्या होगा, ये डायग्राम होगा। इस C पॉइंट के अबाउट हम लोगों को शीयर ILD बनाना था, ठीक है, फॉर शीयर फोर्स। तो ये C पॉइंट के अबाउट हमने ये कम्बाइंड डायग्राम हुआ। मैं आगे आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि ILD बनाने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, ओके। उसके बाद हम लोग बनाएंगे ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट। तो अब हम बनाएंगे ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन C। ये हम लोगों को कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है इस पर सी पॉइंट पे हम लोगों को ILD बनाना है फॉर बेंडिंग मोमेंट। तो लेट सेक्शन बी एट x डिस्टेंस फ्रॉम A। तो हम लोगों ने कोई सेक्शन कंसिडर किया x दूरी पर A पॉइंट से, तो RB और RA जो कि हमने अभी कैलकुलेट किए थे, तो इसकी हेल्प से हम लोग मोमेंट निकालेंगे C पॉइंट पर, ओके। तो C पॉइंट पर मोमेंट कैसे निकालेंगे, इधर हम लोगों ने हाथ पुट किया तो मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आर बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है बी, तो आर बी इंटू बी, ओके। तो वही मैंने किया है, मूवमेंट एट सी इक्वल टू आर बी इंटू बी, आर बी की वैल्यू इधर पुट की तो आर बी की वैल्यू कितनी है एक्स बाय एल, ओके। तो ये कितना हो गया एक्स बी बाय एल, ओके। तो एट सी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर एक्स की वैल्यू कितनी है ए, ठीक है, x की वैल्यू कितनी है ये a, तो x इक्वल टू a पुट किया इधर तो ये कितना हो गया एम सी इक्वल टू ए बी बाय एल, ओके। तो इसकी हेल्प से फिर हम लोगों ने ये डायग्राम प्लॉट किया, ये जो लीनियर आएगा, ठीक है, तो ये डायग्राम हो गया c पॉइंट पर कितनी दूरी पे ए बी बाय एल, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए कि ILD कैसे बनाते हैं, ओके। एग्जाम्पल ऐसा है कि ड्रॉ ILD फॉर शियर फोर्स एट सेक्शन सी, सी पॉइंट पर हमें ILD बनाना है, ठीक है। ये डिस्टेंस दे रखी है 4 मीटर,
ये डिस्टेंस दे रखी है 6 मीटर और एक यूनिट लोड लग रहा है, ओके, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ओके। तो सिंपल सी ट्रिक ये है इसमें आईएलडी बनाने की कि आप सी पॉइंट के अबाउट हमें आईएलडी बनाना है तो इधर सी पॉइंट के अबाउट एक लाइन खींच दो, ओके। उसके बाद जैसा कि हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था कि ये वैल्यू कितनी आती है ए बाय एल, ओके, तो ये वाली वैल्यू कितनी है ए बाय एल, इधर ए क्या है अपना 4 मीटर, ये अपना ए है और ये बी, तो ये कितनी हो गई ए बाय एल, ए बाय एल, ए की वैल्यू कितनी 4 और टोटल डिस्टेंस कितनी है एल, तो कितना 0.4, तो ये अपना आ गई 0.4। उसके बाद ये पॉइंट कैसे आएगा, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था ये पॉइंट कितना होगा, ये होगा बी बाय एल, ओके, तो ये हो गया बी बाय एल, बी कितना है अपना 6, टोटल कितनी है एल, तो बी बाय एल तो 6/10 0.6, तो 0.6 ये अपना आई एल डी बन गया। ये एक सिंपल तरीका है आई एल डी बनाने का फॉर शियर फोर्स। और ये जो दोनों लाइन होंगी, ये लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन ऑलवेज पैरेलल होंगी, ओके। उसके बाद हमें बनाना है ड्रॉ आई एल डी फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन सी, तो हम लोगों को बेंडिंग मोमेंट के लिए आई एल डी बनाना है, ठीक है, सी सेक्शन पर। तो इसमें बस सिंपल सा तरीका ये है कि सी पॉइंट पर एक ट्राइंगल सा बना दो, एक ट्राइंगल बनाया ये, हम लोग को बस वैल्यू लिखनी है कि वैल्यू कितनी आएगी। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू होगी ए बी बाय एल, ओके, तो वही मैंने किया है, सी पॉइंट पर मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी ए बी बाय एल, ए कितना है अपना 6 इधर और बी ये 2, तो ए मतलब 6 बी 2 बाय एल, टोटल कितनी है 8, तो बाय 8 ये कितना आ गया 1.5, तो ये 1.5, तो ये अपना बन गया आई एल डी फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन सी। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो कि आई एल डी कैसे बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।